बिहार सरकार के आंगनबाड़ी में जो रसोई बनता है उसके रसोईया महिलाओं ने आज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए पटना में 10,000 रुपये से 12,000 रुपये तक की मानदेय दिए जाए अन्यथा हम लोग इस काम को नहीं कर पाएंगे की मांग की। क्या कुछ कह रही है प्रदर्शनकारी महिलाएं, चलिए सुनाती हैं। रसोइयों को मानदेय देने की मांग है, लेकिन उनको 1650 रुपया मात मिलता है। आज की महंगाई में जबकि सरकार कह रही है कि 6,000 से नीचे, तो ये रसोइयाँ जो हैं इनको तो 1650 रुपया मिलता है, तो अब बताइए कि कैसे इनका जीवन यापन होगा। इसलिए हम लोग को मांग है कि मानदेय दें। जी आज हम लोग पूरे बिहार से चल करके लाइब्रेरी पब्लिक से हम लोग गर्दनी बाग जाएंगे और विधानसभा के समक्ष जो चल रही है विधान सत्र, उसमें हम लोग सरकार से मांग करने आए हैं कि जो विद्यालय में रसोईया बने हमारी काम करती है वो मात्र 1650 रुपये मिलता है। दूसरी बात यह है कि वो 12 महीने काम करती है और सरकार जो है मात्र 10 महीने के देती है, तो ये सरकार की कौन सी नीति है कि काम 12 महीने लेती है सरकार और मात्र 10 महीने देती है। इतनी महंगाई में बताइए कि 1650 रुपया किस आधार से देती है। इसलिए हम लोग अभी तत्काल मांग करते हैं कि कम से कम 10,000 रुपया मिलनी चाहिए। अभी चल रहा है पूरे बिहार में कि मध्याह्न भोजन केंद्रीयकृत रसोई घर खुलेगा और सब जगह से वितरण किया जाएगा, तो हमें ये कहना है कि जिस तरह से हमारे बच्चे को कहा जाता है कि पोषाहार दिया जाएगा, तो ये किस तरह से पोषाहार रहेगा। वो 2 बजे 2:30 बजे रात से खाना बनाना शुरू करता है और वो सुबह ला करके 10 बजे देता है, तो हमें ये कहना है कि जिस तरह से हमारे विद्यालय में पहले से खाना बन रहा था उसी तरह से खाना बनवाया जाए, नहीं तो हम लोग भाई आंदोलन करेंगे।